चलिए जी, बहुत बढ़िया। ऋषि जी कैसे हैं आप? ऑल गुड सर। बहुत बढ़िया सर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट कहीं पे? सब अभी ऑल गुड। हाँ, कुछ क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अभी तक तो जितना ठीक अब मेरा मौका है आपको तंग करने के लिए। आता हूँ सर, आपको पकड़ता हूँ। चलिए है गौतम सर, कैसे हैं आप? सर। बढ़िया हुए एकदम। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट कहीं पे? डाउट तो सब हो गया था। जब काम शुरू करेंगे तो काम ही इतना स्पीड में नहीं चल रहा है, सर देखिए, कंफ्यूजन करना तो कंफ्यूजन पड़ेगा सर। करना पड़ेगा सर। टाइम ही नहीं मिल रहा है, सैटरडे संडे बैठे हुए किसी को पैसे देने के बाद भी अगर आप काम नहीं करें तो फिर ये चीज सर मेरे समझ में नहीं आती। फ्री में अगर कर चौबीस रहे हैं, घंटे काम हैं नहीं ना कर रहे तो सर। सर सब तो फिर तो ठीक है, मैं मान लेता। लेकिन सर किसी को पैसे दिए उसके बाद काम नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा काम, देखिए चीजें आपको खुद डेवलप तो करनी पड़ेगी सर, है ना? चीजें डेवलप तो 100% आपको खुद ही अपने हाथों से करनी पड़ेगी। मैं उसको स्पीड अप कर सकता हूं, जहां पे आप हल्का सा अटके मैं अपनी टीम को बोल के उसको स्पीड अप कर सकता हूं, बट इनिशियल लेवल पे तो आपको ही काम करना पड़ेगा। चलिए श्वेता मैम, श्वेता मैम क्या चल रहा है? मैं कहीं पे कोई फिर से कंफ्यूजन, कोई डाउट? नहीं, वही बिल्कुल जो गौतम ने जवाब दिया आपने आज गौतम से पहले पूछ लिया, वरना आई वॉज प्रिपेयर्ड कि सर काम करने वाले को डाउट होंगे। अभी तो मैंने काम नहीं कुछ किया, कल के बाद से आज कुछ नहीं हुआ। तो ब्लॉग्स ब्लॉग ऐड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं सर, नहीं मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रही है, वो ठीक है, अपनी जगह सब चल रहा है ठीक ठाक। बाकी तो ये कि अब मेरे को कैटेगरी चेंज करनी है। बाकी जो आप जितना आप पढ़ा समझा रहे हो वो समझ आ रहा है, हमें वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। मैम, बट पता है क्या, अब क्या होगा, अब स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे। फिर कर देंगे कैचअप। जिसका भी स्पीकर ऑन है प्लीज स्पीकर को ऑफ कर लीजिए। माइक शायद एक रिपीट साउंड मुझे सुनाई दे रही है, एको आ रही है। चलिए मैम, स्पीड थोड़ी इंक्रीज होगी क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा बात करेंगे एड्स के ऊपर, एसईओ के ऊपर। तो वो चीजें अगर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना तो फिर क्या होगा, उस चीजों को आप रटना स्टार्ट करेंगे, जो मैं नहीं चाहूंगा बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए ऋषि जी आपके पास आते हैं। ऋषि जी मुझे ये बताएं, एसईओ के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? अगर आपको किसी को एसईओ समझाना हो सर, देखिए आपको किसी को समझाना नहीं होगा, बट मुझे तो नहीं ऋषि जी पता। हाँ आप व्हेन यू आर डूइंग अ स्पीकिंग, लेट सपोज आप स्पीकिंग कर रहे हैं स्टेज पे, आप बहुत बड़े स्पीकर हैं। मैं वैसे बता दूं, ऋषि जी बहुत बड़े स्पीकर हैं और काफी जगह सेशंस देते रहते हैं इंटरनेशनली। सो लेट सपोज ऋषि जी आपसे कोई स्टूडेंट आपसे पूछ लेता है कि सर ठीक है, हम डेवलप कर लेंगे, ये सिस्टम कर लेंगे, हम ये आर्किटेक्चर बना लेंगे, थोड़ा सा मुझे एसईओ का कुछ पता है क्या आपको? सो यू शुड बी रेडी फॉर दिस, है ना? सो व्हाट आई रिमेम्बर फ्रॉम लास्ट सेशन इज द बेसिकली टू पार्ट्स, दो पार्ट है। एक तो इन पेज एंड आउट पेज, मतलब आउट ऑफ पेज, राइट? सो इन पेजेस आप अपने पेज में क्या करते हो, जैसे मेटा टैग कितने ठीक करते हो, टाइटल कितना ठीक करते हो, कि आपका फिर गूगल उसको पकड़े, जो अगर जिसने यूजर ने वो चीज सर्च करी है तो गूगल उसको पकड़े। आउट पेज व्हाट आई रिमेम्बर इज कि आपके लिए, जैसे आपके बैक लिंक्स जो आपने वर्ड यूज किया था, अगर मेरी एक साइट है जिसमें ऑलरेडी बहुत मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, गूगल हैज रैंक्ड मी नाइसली, तो अगर वहां पे कोई लिंक आए, कोई ब्लॉगर हो या इन्फ्लुएंसर हो रहे हो जो बड़े उस गूगल रेट्स हाई, अगर वो मुझे कुछ रिकमेंड करे तो गूगल विल आल्सो रेट मी हाई एज वेल। तो जहां तक अभी तक जो मुझे ये दो बातें समझ रही है, बहुत इन बढ़िया पेज सर। आउट पेज। बस थोड़ा सा टेक्निकली अपने वर्ड्स को स्ट्रॉन्ग करना है। इन पेज और आउट पेज नहीं है, ऑन पेज एंड ऑफ पेज है। ऑन पेज एंड ऑफ पेज, सॉरी क्या आई गया। सॉरी मुझे मत बोलिए सर, मैं आपको नहीं सिखा पाया इसलिए आपने रटा, तो ये मेरी नहीं, गलती है। मैंने रटा नहीं, आपकी गलती मैंने नहीं वो सर, याद ऐसे रखा ये कि आपकी आउट पेज गलती इन है। पे। मैंने आपको बताया ना हाँ, सर, तो मेरे एक बात मैं में इन्वॉल्व मेरे ही में नहीं ऐसे डाल सकता, दिया, इट्स पेपर पे ऑफ लिखने पेज। कराऊंगा मैं अपने आप। मैं अपने आप आपके दिलों में डाल दूंगा सर, दिमाग में मैं डालता नहीं चीज को। चलिए थैंक यू सर, आपने बाकी बहुत अच्छा आंसर दिया। इट जस्ट इट शुड बी करेक्ट विद द वर्ड्स। चलिए करेक्ट। मोहित यादव सर, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बैकलिंक्स का क्या मतलब होता है? बैकलिंक का मतलब सर हाँ जी, क्या होता है सर? मतलब जैसे जानकारी जानकारी नहीं बढ़ाते सर दूसरे वेबसाइट के बारे में, अपनी अपनी वेबसाइट के बारे में। चलो चलिए, वैसे ये टॉपिक मैंने बताया ही नहीं है, फिर भी ट्राई करने के लिए अच्छा सर, थैंक यू सर। जो नहीं पता है बहुत स्ट्रेट बोलना है। मोहित यादव, जब आप इंटरव्यू में बैठे होंगे ना,
यहाँ जितने लोग हैं ना वो सारे लोग ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं. सो उनसे आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं व्हेन यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू. वहां पे अगर जो चीज आपको नहीं पता है क्लियर नो बोल दीजिए, क्लियर नो. अगर आप उसको गलत समझाएंगे या कुछ पोर्ट्रे करेंगे ना तो सर आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा. मेरा सजेशन यही है कि क्लियर नो बोलिए, यस या नो, खत्म बात. आपको नहीं आता क्या करेगा सर, जूते थोड़ी मारेगा, नौकरी से ही निकालेगा, निकालो दूसरी नौकरी पकड़ लेंगे यार, है ना. ये तो नौकरी भी नहीं दी मैंने. बिल्कुल. तो सो सिंपल सा लॉजिक है सर कि आप स्ट्रेट यस या नो आपको करना पड़ेगा. चलिए मोहित शर्मा जी क्या कर रहे हैं वेबसाइट पे. सर बनाया था होम पेज पे लगा हुआ हूँ अभी तो. ठीक है, मतलब कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ परेशानी आ रही है. हाँ दिक्कत आ रही है सर, वो मतलब वो जो थीम थी ना जी, तो मतलब लैपटॉप के लिए तो अच्छा, लेकिन मोबाइल में मतलब उसके राइट साइड में खाली, मतलब आप उसमें इमेजेस ही डाल सकते, उस पर कुछ लिख नहीं सकते, तो वो थीम चेंज करना पड़ेगा. तो बोल रहे थे कि कल, हमारा स्पोर्ट टीम बोल रही थी कि कल देखते हैं. ठीक है कोई बात नहीं सर, हो जाएगा. थीम ही चेंज होगी सर. और जी सर सपोर्ट टीम से कांटेक्ट में रहिए, दे विल हेल्प यू आउट विद दिस. जी सो मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करता हूं. आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जड़ है डिजिटल मार्केटिंग का. मैंने आपको बार बार बताया है कि आप और मैं कोई योगी बाबा नहीं है कि अचानक से बैठे और कीवर्ड की बारिश होने लगी, ऐसा नहीं होगा. आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा. अब उसके लिए टूल्स क्या हैं? मैंने कुछ पैटर्न्स आप लोगों को बताए थे कि गूगल पे आप सर्च करते हैं और आपको गूगल कुछ ऑप्शंस दिखा देता है. गूगल इसलिए दिखाता है कि गूगल को लगता है कि शायद वो आपकी हेल्प कर पाए, सो दैट आपके दिमाग में एक अच्छा इंप्रेशन बना पाए कि भैया देखो गूगल हमारे टाइप करने से पहले ही हमारा दिमाग जानता है. करता वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मोस्ट एप्रोप्रिएट रिजल्ट दिखाता है जो उस कीवर्ड से रिलेटेड लोग सर्च कर रहे हैं. अभी इसके बाद गूगल जो भी कीवर्ड आप सर्च करते हैं उसके सबसे बॉटम में, बॉटम ऑफ द पेज में कुछ सजेस्टेड कीवर्ड्स दिखाता है. पहला दिमाग हमारा कहां चला गया? जब हम कीवर्ड टाइप कर रहे हैं जो ऑप्शंस वो दिखाएगा वहां पे. दूसरा आ गया नीचे बॉटम में. इसके बाद कुछ टूल्स भी अब मैं बताऊंगा. एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आप अपने बिजनेस के लिए कीवर्ड डिसाइड करें ना, मैं कैसे करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं अपना लैपटॉप बंद कर देता हूं, अपना फोन बंद कर देता हूं और एक पेन और पेपर ले लेता हूं बहुत ट्रेडिशनल तरीके से. मैं कीवर्ड डिसाइड करते टाइम, अपना प्राइमरी कीवर्ड डिसाइड करते टाइम कभी भी किसी टूल की मदद नहीं लेता. मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि मुझे एक एवरेज रफ आइडिया है कि इस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक होगा, लेकिन आपको नहीं है, आपको स्टार्टिंग में लेनी पड़ेगी. लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपना प्राइमरी कीवर्ड कभी भी टूल के बेस पे सजेस्ट नहीं करें. रीजन मैं समझाता हूं, आप टूल से जो पूछेंगे वो उसी का तो रिस्पांस देगा आपको. मान लीजिए आपके दिमाग ने एक गलत कीवर्ड को सोच लिया, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी खराब हो जाएगी. टूल को थोड़ी पता है कि आपके दिमाग में क्या आउटपुट, क्या इनपुट आउटपुट चल रहा है. टूल को तो बस यही पता है कि जो कीवर्ड उसने, आपने उसको दिया, उसके बेस पे उसने कुछ सजेस्टेड कीवर्ड्स दिखा दिए. यही होगा ना ऋषि जी? तो करने के लिए सबसे पहला हमें करना क्या है, हमें अपने यूजर को समझना जरूरी है कि जो भी पेज आप बना रहे हैं वो पेज किस कस्टमर को दिखाना चाहते हैं, कब और कहां. याद रखिएगा तीन क्वेश्चंस, किस कस्टमर को दिखाना है, कहां दिखाना है और कब दिखाना है. ये तीनों क्वेश्चन के जवाब आपका पहला कीवर्ड आपको दे देगा. एग्जाम्पल के तौर पर जो प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के सामने लेके आया हुआ हूं उसके लिए मेरा बेस्ट टारगेटेड कीवर्ड है कैंप्स इन ऋषिकेश. मेरा पहले क्वेश्चन का जवाब कहां पे दिखाना है, ऋषिकेश मैंने ऐड कर दिया. अगर मेरा माइंड ब्लैंक है, मुझे नहीं पता कैंप्स इन ऋषिकेश नाम का कोई कीवर्ड है, तो मैं कैसे सोचूंगा. मेरा जो बिजनेस है उस बिजनेस का लोकेशन, टारगेट लोकेशन कहां है, वो है ऋषिकेश. तो मैंने ऋषिकेश वर्ड रख लिया पकड़ के दिमाग में. उसके बाद मेरा जो सर्विस एरिया है कब कहां, ये कीवर्ड जो है कैंप इन ऋषिकेश, मतलब मैं अपने कीवर्ड को दिखाना चाहता हूं गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे
तो मैं क्या करूंगा, अपनी सर्विस को वहां पे ऐड करूंगा, जो मेरी मेन सर्विस होगी जिसके बारे में पेज बना रहा हूं, दैट इज कैंप्स, कैंप्स इन ऋषिकेश। सो ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड हो गया। अब बस इसके बाद अपनी बुक बुक बंद कर दीजिए, जो करना है कीजिए, आराम से कॉफी वॉफी पीजिए, फिर आइए सिस्टम खोलिए। अब मैं दिखाता हूं आपको एक मजेदार टूल जहां से एग्जैक्टली आप ये निकाल सकते हैं कि किस कीवर्ड पे मंथली कितना सर्च हो रहा है और कहां से हो रहा है, कौन सी लोकेशन से हो रहा है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं ये निकालूं कि फरीदाबाद से कितने लोग कैंप्स इन ऋषिकेश सर्च करते हैं, आई कैन फाइंड द डेटा। मैं एक पर्टिकुलर जिप कोड से भी निकाल सकता हूं। सो ऋषि जी, ये प्लानिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ सेशन इन दुबई, तो आप अपने सेशन को अरेंज करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, आप ये डेटा निकाल सकते हो कि दुबई से कितने लोग इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को ढूंढ रहे हैं। पता लगा आपने स्टेट या कंट्री ही ऐसी चुन ली जहां पे इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। Exactly. हाँ. अभी तक हिट एंड ट्राई कर रहे हैं। Yes. क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग जब आता है ना सर, तो उस डिजिटल मार्केटर वाले आत्मा को हटा दीजिए, तो आप हैं कंपनी ओनर और आप किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी या फिर खुद ही सब कुछ प्लान करेंगे। मैंने हमेशा बोला है, आदमी अपने आप को शाहरुख खान समझता, लेकिन हम है नहीं। सो वहां पे हम क्या करते हैं कि भैया मैं तो इस जगह बहुत छा जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लोग मेरे को सुनते हुए पागल हो जाएंगे। मेरे से भी बहुत बार गलतियां हुई हैं, मैंने ऐसे जगह को चुना है जहां पे अवेयरनेस ही नहीं है। मैंने बहुत बड़े बड़े सेमिनार दे दिए, लास्ट में मुझे पता लगा जिन लोगों के पास मैं गया हूं उनके पास फंड्स ही नहीं है मेरे को अवेल करने के लिए। सो फिर मेरा पूरा टाइम किल हो गया वहां पे, मेरा आउटपुट नहीं निकल पाया। इसलिए बहुत जरूरी है आप कुछ भी प्लान करें, जैसे श्वेता मैम आपके लिए मैं बता दूं, अगर आप कोई भी ब्लॉग प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका ट्रैफिक चेक कीजिए कि जो ब्लॉग मैं लिखने जा रही हूं क्या उस पर एक्चुअल ट्रैफिक है। क्योंकि आप एक ब्लॉगर हैं, आपका जो पैसे की अर्निंग होगी वो ट्रैफिक के बेस पे होगी। अगर आपने ऐसा कोई कीवर्ड पकड़ लिया जिसपे आपने 15 दिन लगा के एक ब्लॉग लिखा और ट्रैफिक ही उस पर 4 लोगों का है, क्या फायदा। लेकिन हाँ, वैसे चीजों को मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं वैसे कीवर्ड को कभी छोड़ता ही नहीं हूं, क्योंकि वहां पे टॉप पोजीशन में बैठ जाऊंगा बहुत आराम से, क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं है वहां पे, वहां कंपटीशन ही नहीं होगा। ये ब्लॉगिंग वाली तरीके की बात हो गई। सो अभी चलते हैं स्टार्टिंग से, गौतम जी से स्टार्ट करते हैं। गौतम सर, आपका प्राइमरी कीवर्ड क्या होना चाहिए आपके बिजनेस को लेके? आज मैं आप लोग को कीवर्ड सोचने का तरीका बताऊंगा। ये बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी देखिएगा आप लोग कैसे शांत हो जाते हैं, कैसे चुप हो जाते हैं। बताइए गौतम सर, आपके सर्विसेज रिलेटेड कोई 5 कीवर्ड मुझे बता दीजिए। आपका माइक म्यूट है सर। सर, योगा कोर्सेज और मेडिटेशन सेशन मेरे प्रोडक्ट है बेसिकली। सर मेरा प्राइमरी फोकस रहेगा। नहीं नहीं सुननी सर, मैं सिर्फ कीवर्ड पूछ रहा हूँ सर, सिर्फ कीवर्ड बताइए। सर, मेडिटेशन सेंटर इन दिल्ली, मेडिटेशन सेंटर इन ऋषिकेश, योगा कोर्सेज इन दिल्ली, योगा कोर्सेज इन ऋषिकेश, और उसके अलावा ये 4-5 तो यही हो गए सर, इनके ऊपर आ सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपने जब ये कीवर्ड बोला ना, तो आपने ये देखा है कि मेडिटेशन सेंटर इन दिल्ली के ऊपर पता लगा श्री श्री रविशंकर की वेबसाइट आ रही है। ट्रैफिक देखा है सर उस वेबसाइट का कितना है? आपको लगता है आप उनको बीट कर पाएंगे? एनालिसिस करना पड़ेगा सर इन, लेकिन अगर वहां ट्रैफिक है तो इन दोनों हाथों से तो पॉसिबिलिटी नहीं है सर आपके पास, क्योंकि उनकी वेबसाइट के ऊपर बहुत मजेदार ट्रैफिक है, बहुत मजेदार ट्रैफिक है, पूरी दुनिया उनको सुन रही है। सो बिजनेस करने के 2 तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे। बिजनेस करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, सर माइक को म्यूट कर लीजिए गौतम जी, पहला तरीका है कि आप उन कीवर्ड्स को जो यहां ब्लॉगिंग के लिए बैठे हुए हैं डॉक्टर हरप्रीत एंड श्वेता मैम, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। यहां पर जब आप कीवर्ड डिसाइड कर रहे हैं तो उसके लिए 2 तरीके की बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक दुकान है जो रिन और सर्फ को, सर्फ का पाउच आता है ना 5 रुपए का, उस पाउच को 500 लोगों को बेच रहा है, 5 रुपए वाले पाउच को, और उसी के बगल में एक दूसरा जनरल स्टोर है, किराने की दुकान है, जो 500 रुपए का एक ही साबुन बेच रहा है,
या 500 रुपए का एक ही सर्व का पैकेट बेच रहे हैं, दोनों का परसेंटेज कमीशन एक ही है, पर केजी के ऊपर उनका कमीशन निकल रहा है। यहां पर 500 ग्राहक आ रहे हैं तो वो प्रॉफिट कमा रहा है उतना ही जितना वो 500 का एक पैकेट बेच के कमा रहा है। जो 500 वाले कीवर्ड्स है ना, जो 500 का ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, उस पर कॉम्पिटिशन हमेशा बहुत हाई होगा। जो 500 जहां पे एक बार में एक ही यूजर आ रहा है और बड़े मजेदार तरीके से आपके प्रोडक्ट को लेके चला जा रहा है, उस कीवर्ड पे ट्रैफिक फाइंड करना, अगर आपको लगता है ऐसा कोई कीवर्ड आपने पकड़ लिया तो उसको छोड़िएगा नहीं। अगर मान के चलिए आप 500 जहां पे एक ही ग्राहक आ रहा है बड़े मजेदार तरीके से टॉप पोजीशन पे आपको देख रहा है, वैसे वैसे 15 कीवर्ड्स आप पकड़े तो आपके लिए टॉप पोजीशन को मेंटेन करना इजी हो जाएगा ना। क्या पता आप वैसे 500 कीवर्ड्स पकड़ लो और उतना ट्रैफिक ले जाओ जितना वो एक वेबसाइट पे लेके एक कीवर्ड पे लेके आ रहा है। गौतम जी क्लियर है? सो क्या योगा सेंटर इन ऋषिकेश या फिर मेडिटेशन इन दिल्ली, ये अपने आप में एक बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। बहुत बड़े बड़े गुरु महात्मा जी लोग बैठे हैं और हम जैसे बहुत सारे लोग उनके चेले चपाटे हैं सर, सारे काम कर रहे हैं, अपना भी पैसा वो लगा रहे हैं। सो जब कीवर्ड हम सोचे ना, तो प्राइमरी कीवर्ड के बेस पे आप अपने सारे कीवर्ड सोचिए। मैं अभी सिर्फ एक पेज की बात कर रहा हूं, एक पेज की, जिसको हम लैंडिंग पेज कहते हैं। एक पेज का मतलब हो गया कि उस पेज के एक प्राइमरी कीवर्ड के बेस पे आपका पूरा पेज डिजाइन होगा, उसी के बेस पे आपके सबॉर्डिनेट कीवर्ड्स आएंगे। जैसे आपको जब मैंने बोला कीवर्ड बताने के लिए, तो सर आपको कीवर्ड एक लैंडिंग पेज के बेस पे बताना है, ना कि मेडिटेशन सेंटर इन ऋषिकेश या मेडिटेशन सेंटर इन दिल्ली, योगा सेंटर इन ऋषिकेश, योगा सेंटर इन दिल्ली। नहीं, आपका कीवर्ड हमेशा एक पेज के बेस पे होना चाहिए। आपका कीवर्ड होना चाहिए था मेडिटेशन सेंटर इन दिल्ली, मेडिटेशन सेंटर इन ऋषिकेश, या मेडिटेशन से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, योगा उसमें ऐड नहीं होना चाहिए था अभी, क्योंकि आपका एक लैंडिंग पेज गूगल को, मैंने आपको बार बार समझाया, गूगल सिमिलैरिटी देखता है सर, दो कंटेंट को मिक्स कर देंगे, सिमिलैरिटी शो ही नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है गौतम जी? श्वेता मैम कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऋषि जी कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? कॉन्सेप्ट क्लियर है? थोड़ी सी मुझे तो है कंफ्यूजन। चलिए ठीक है, आप दुबई के अंदर एक इवेंट कर रहे हैं, दुबई के अंदर जो आप इवेंट कर रहे हैं, उस इवेंट के स्पेसिफिक एक मेन कीवर्ड मुझे बताइए। हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, एड्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ऑर्गेनिक लेवल की बात। बताइए। स्केल्ड एजाइल, सॉरी स्केल्ड एजाइल, स्केल्ड एजाइल, स्केल्ड एजाइल, आप एजाइल दे दो। ओके, या फिर अगर मैं इस पे चलूं, एजाइल ट्रेनिंग, एजाइल ट्रेनिंग, या एजाइल ट्रेनिंग सेंटर्स इन दुबई, एजाइल ट्रेनिंग इन दुबई, एजाइल ट्रेनिंग इन दुबई, हाँ है ना। सो इस कीवर्ड के बेस पे आप अपना एक पेज बनाएंगे प्रॉपरली, और इससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको जो मैं बताऊंगा वो टूल बताएगा कि किस तरीके से कितना ट्रैफिक आ रहा है, सबॉर्डिनेट कीवर्ड्स आपको सारा उससे मिलेगा। मेरा बस यही कहना है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, कि आप जो भी पेज बनाए ना, उस पे जो डेटा डालें, मेटा टैग डालें, कीवर्ड डालें, डिस्क्रिप्शन डालें, टाइटल डालें, उस पेज के अंदर इमेजेस डालें, उसका ऑल टैग डालें, ये सारी चीजें एक कीवर्ड के बेस पे होना चाहिए, या तो उससे सिमिलर मिलता जुलता कीवर्ड, नहीं तो वही कीवर्ड। इससे क्या सिंपलिसिटी पैदा होगी, सो दैट गूगल कैन स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू। क्लियर है सर अभी? ठीक है, अब मैं लाइव करके दिखाऊंगा आप लोगों कि मैं कैसे टूल से पकड़ता हूं। एडवर्ड एवरीवेयर में, सॉरी सर, टूल्स तो हाँ, टूल्स तो सर ये कीवर्ड एवरीवेयर भी, मतलब ये मतलब 60-70% ठीक ही बता देते हैं ना सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ये बहुत बढ़िया पॉइंट इन्होंने उठाया है। इन्होंने किसी टूल का नाम बताया सर, क्या वो टूल गूगल का है? मोहित जी, क्या वो टूल गूगल का है? नहीं नहीं
नहीं नहीं नहीं चलो, गूगल अपने आपका जो कस्टमर है वो करंट में क्या यूज कर रहा है, गूगल यूज कर रहा है जी सर, है ना, 97% कस्टमर गूगल यूज कर रहे हैं सर्चिंग के लिए कर रहे हैं। सो क्यों नहीं आप गूगल का ही टूल यूज करते हो, गूगल आपको डायरेक्ट ज्यादा अच्छा डेटा दे पाएगा ना, रादर देन एक थर्ड पार्टी टूल पे जो गूगल से डेटा उठा रहा है और अपना दिमाग लगा के आपको दिखा रहा है। जी सर, ऐसे कल हो के मैंने आईडीएम का एक टूल निकाल दिया, मैंने आपको यही बताया सर, भरोसा उस पे कीजिए जहां पे ट्रस्ट और एजुकेशन दोनों मिले। तो गूगल का अगर आप टूल यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपका ट्रस्ट फैक्टर तो वैसे ही डन है क्योंकि कस्टमर सर्च ही वहीं पे कर रहा है। जी सर बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होगी, चाहे कोई भी किसी भी स्पीकर का, नील पटेल जो भी ये पटेल पटेल है, इनका जो भी टूल है, मैं भरोसा नहीं करता उबर सजेस्ट पे। मैं आपको सेशन में भी बताऊंगा आज कि आप खुद अपना कीवर्ड सजेस्ट टूल कैसे बना सकते हैं, इसको हम व्हाइट लेबल कहते हैं, व्हाइट लेबल 15 मिनट का काम है, सिर्फ पेमेंट दीजिए और आप मोहित शर्मा का लोगो लगा देंगे और पूरी दुनिया आपका टूल यूज करेगी। डेटा कहां से उठ रहा है, गूगल के एपीआई से उठ रहा है। फायदा क्या, लेट्स डायरेक्टली गो टू द गूगल टूल जहां पे एक्चुअल कस्टमर सर्च कर रहा है। क्लियर है सर? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, सो मैं यहां पे चलता हूं। इस टूल में जब आप लॉग इन करते हैं तो टूल में लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ पैनल दिखाई देगा। पहली बार जब आप इस टूल पे लॉग इन करेंगे, इस टूल का जो एक्सेस है वो आपको कहां मिलेगा, सिंपल सा तरीका मैं समझा देता हूं। यहां पे आप जाएंगे और गूगल सर्च के अंदर आप सिंपल लिखेंगे गूगल एडवर्ड्स। जैसे ही आप गूगल एडवर्ड्स लिखेंगे, मैं आपको यहां पे लिख के दिखा देता हूं तो आपको समझ आएगा। इनिशियल लेवल से करता हूं सो दैट जब आप अकाउंट बनाने में आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल इनिशियल लेवल से लेके चलता हूं इसको। सो मैं सिर्फ गूगल पे गया और मैंने टाइप किया गूगल एडवर्ड्स। जैसे ही मैं गूगल एडवर्ड्स पे आता हूं, गूगल एडवर्ड्स का ये वेबसाइट है adwords.google.com, सबसे पहली वेबसाइट कोई भी उठा लीजिएगा, adwords.google.com ये वेबसाइट है। आज से 3 महीने पहले इस टूल का नाम गूगल एडवर्ड्स था, लेकिन अब रीसेंट टाइम में इसको चेंज कर दिया गया है गूगल एड्स के नाम से, क्योंकि इनको लगा कि गूगल एडवर्ड्स कस्टमर को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि याहू एड्स का जो, जैसे गूगल एड चलाता है वैसे याहू का भी एड है, एओएल का भी अपना है, सो सारे एड उसी वेंडर नाम से चला रहे हैं। तो गूगल ने भी अपना नाम चेंज कर दिया, एडवर्ड्स के बेस पे चेंज करके उसने कर दिया गूगल एड्स। मोहित शर्मा जी, मोहित यादव जी, आपके लिए इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि गूगल एडवर्ड्स ने अपना नाम कब चेंज किया, 3 महीने पहले आज से, सितंबर में सर, लाइक अगस्त या सितंबर में। सो यहां पे जाइए, यहां पे ये टूल आपके सामने खुलेगा, सिंपल साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे गूगल का यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, एक कोई भी गूगल का यूजर नेम पासवर्ड उठा लीजिएगा। I'm very bad with the password part. जब आप वहां लॉग इन कर जाएंगे, लॉग इन करने के बाद आप इस स्क्रीन पे आने के लिए गूगल कुछ ऑप्शंस आपसे पूछेगा कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, वो सब भर दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में वो आपसे पूछेगा बिलिंग, उसके बाद लास्ट में वो आपसे पूछेगा बिलिंग भरने के लिए, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, उस स्टेप से हट जाइएगा। और उसके बाद आप यहां पर टॉप में आएंगे टूल्स एंड सेटिंग में, आपको यहां पे क्लिक करना है टूल्स एंड सेटिंग में। सबसे पहला जो कॉलम है उसके अंदर आपको मिलेगा कीवर्ड प्लानर, बड़ा ही मजेदार टूल है। आज से पहले इसको किसी ने यूज किया है? श्वेता मैम आई एम श्योर आपने नहीं किया होगा। ऋषि जी आपने यूज किया है? नहीं कभी नहीं। आई एम श्योर कि जो मार्केटिंग टीम आपके लिए काम कर रही थी उनके जरूर आप घोड़े दौड़ाने वाले हो अब इसके बाद, कि अभी तक क्या रहे थे उनके दौड़ने शुरू हो रहे हैं। चलो मैं यहाँ पे किसी भी अकाउंट को कनेक्ट कर देता हूँ सो दैट यहाँ पे मुझे एक अकाउंट चाहिए होता। हेलो सर मैम बताइए।
सर मैंने भी मतलब कैंपेन क्रिएट किया था तो मेरे पे ना सेटिंग में ऑप्शन ही नहीं आता, ये जब हम बिलिंग पार्ट में जाते हैं तब ऑप्शन आता है। चलिए काम करते हैं, इसको बिल्कुल इनिशियल लेवल से लेके चलते हैं। सो मैं एक गूगल की ईमेल दे लेता हूं और वहां से ही चलते हैं इसको, क्योंकि आई डोंट वांट यू गाइस टू बी कंफ्यूज्ड ऑन दिस। चलो ये ले लेता हूं, ये अकाउंट किनका, मैं मैम बता देता हूं क्लास को, ये अकाउंट श्वेता मैम के हस्बैंड का है, हु इज अ वेरी वेल नोन पर्सन इन द मेडिकल इंडस्ट्री, जिनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते रहते हैं। सो ये उन्हीं का अकाउंट है, बट ये हमारा ऑफिशियल अकाउंट है जिससे हम इनकी प्रमोशन करते हैं, तो इधर से चल लेते हैं। इन्होंने कभी गूगल एडवर्ड्स पे लॉगिन नहीं किया, एंड आई एम श्योर इन्होंने खुद भी नहीं किया होगा, तो ये अकाउंट फ्री होगा, ये पहला ही होगा। चलिए ये देखो हस्बैंड की बधाई सुनकर श्वेता मैम के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट आ गई, ये चलो ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं, यहां पे मैंने इसको नेक्स्ट किया। आप पहली बार जब गूगल का अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट बनाने के बाद यहां पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड पूछेगा एंड यू आर एबल टू लॉग इन। अब देखिए यहां पे सबसे पहले मुझे ये बोल रहा है अपडेट करने के लिए, मैं सिंपल सा प्रोसेस है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इसको स्किप कर देता हूं, कुछ भी नहीं है ये, डन। अब मैं पहली बार गूगल एड्स में लॉग इन कर रहा हूं इस अकाउंट से, हेमा मैम यहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं लेके आइएगा कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे चल रहा है, कौन सा अकाउंट क्रिएट हो रहा है, नहीं। यहां पे आने के बाद सिंपल कुछ इस तरीके के अकाउंट आपको दिखाई देगा। अकाउंट दिखाई देने के बाद आप यहां पे ऊपर टूल्स में जाएंगे। मैम यहां तक क्लियर है, यहां तक पहुंच चुके थे? हाँ सर ये पहुंच गई थी, बट मेरे यहाँ पे ना ऑप्शन ही नहीं आया था सर टूल्स का, ये बोल रही थी आपको मैम, आपको किसी न किसी अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा, टूल्स का ऑप्शन है, टूल्स का ऑप्शन अगर नहीं आया है तो ध्यान दीजिएगा, जब आप अकाउंट बना रहे हैं तो वहां पे आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे, एक होगा एक्सप्रेस अकाउंट, एक होगा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अकाउंट। चलिए और बेस पे चलते हैं, और बेस पे चलते हैं, इस पे इस अकाउंट को भी छोड़ देते हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां से तो मेरे को एक ही चीज समझ आती है कि विल क्रिएट एन अकाउंट नाउ। सर एक क्वेश्चन था, सिंपल बताइए, जैसे अब ये जो मैं करूंगा मेरी मार्केटिंग टीम का अपना अकाउंट होएगा, मेरा अपना होएगा, तो कैसे उससे क्लैश तो नहीं होएगा? सर बिल्कुल भी क्लैश नहीं होगा, सर बिल्कुल भी क्लैश नहीं होगा। और ऋषि जी अगर आप मार्केटिंग टीम से ये अकाउंट मांगेंगे ना, वो अकाउंट आपको कभी भी नहीं देंगी, क्योंकि जो आज तक उन्होंने आपसे पैसा लिया है उसकी एक एक बिलिंग वो आपको कभी भी exactly. इसलिए मेरा ये क्वेश्चन था कि वो मुझे नहीं दिखाएंगे ये अकाउंट, वो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर मैंने सिर्फ कीवर्ड सर्च करना है तो मैं अपने नॉर्मल जी अकाउंट जीमेल अकाउंट से करके कर सकता हूं, नॉर्मल जीमेल अकाउंट से भी करना कर सकते हैं, लेकिन इस टूल को एक्सेस करने के लिए आपको गूगल एडवर्ड्स पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, जो मैं रजिस्ट्रेशन अभी स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूं। मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं? गूगल पे एक नई ईमेल एड्रेस बनाने से। जितने लोग वीडियो में इस सेशन को देख रहे हैं, जो मैं स्टेप कर रहा हूं प्लीज इसको रिपीट कीजिए अपने एंड पे। सो यहां पर मैं इसको ईमेल एड्रेस डाल देता हूं, लेट्स सपोज फ्रॉग इन वेल, ओ माय गॉड ये भी किसी ने ले रखा है क्या? नहीं। चलो जी, चलो हम ये जो फ्रॉग है उसको 2019 मेड लगा देते हैं, ये तो आई एम श्योर किसी ने नहीं लिया होगा। चलिए मुझे मिल गया, आजकल गूगल एक वेरिफिकेशन कोड जरूर भेजता है, बिकॉज बहुत सारे बॉट्स होते हैं जो गूगल पे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बना लेते हैं जबरदस्ती और उसके डेटा को खराब करते हैं, इसलिए चाहता है कि एक रेगुलर यूजर ही इस पे साइन इन करे।
मेरा आपका तो बर्थडे भी आने वाला है जल्दी। बिल्कुल सर। चलो बहुत बढ़िया। यहां पे देखो आपके सामने लॉगिन करने के बाद ये पहली बार गूगल एड्स के ऊपर आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पे न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे मैं क्लिक कर रहा हूं और मैंने पहली बार गूगल एड्स पे, जब आप पहली बार, आपके पास एक जीमेल की एड्रेस है, आप गूगल एडवर्ड्स के पैनल पे गए और आपने अपने अकाउंट को लॉगिन किया है। अब देखिए आपके सामने ये स्क्रीन आएगा, ये आया होगा हेमा मैम? यस ये आया था। इसको करने के लिए यहाँ पे आपके सामने अभी तक टूल्स का ऑप्शन ऊपर नहीं आएगा क्योंकि अभी तक कुछ आपने क्रिएट नहीं किया है। सो यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस विद गूगल एड्स नीचे दिख रहा है ऑप्शन आपको? यस सर। ऐड कर लेता हूँ, जो लोग इसको वीडियो में देख रहे हैं प्लीज ध्यान से इस चीज को देखिएगा, अगर ये स्किप कर देंगे तो नहीं ले पाएंगे। ये क्यों आ रहा है, इसके पीछे रीजन है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब हम गूगल एडवर्ड्स की क्लास करेंगे। अभी बस यहीं पे क्लिक कर दीजिएगा एक्सपीरियंस विद गूगल एड्स। यहां पे छोटा सा आपको काम करना है, किसी पे भी क्लिक कर दीजिएगा, किसी भी चीज पे कुछ भी क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी जो भी आपको डालना है वो डाल दीजिएगा। एक नॉर्मल आपको ये फिल इन करना है, ये सारी चीजें बाद में करेंगे हम, नॉर्मल आपको फिल इन करना है। जहां जहां पे आपको एरर दिखा रहा होगा वहां वहां पे एरर भर दीजिएगा, कुछ नहीं करना है इसको। इस टूल को एक्सेस करने के लिए सिर्फ छोटा सा आपको ये काम करना है। जहां जहां आपको एरर दिखा रहा होगा प्लीज वहां कुछ भी लिख दीजिएगा। अभी आपको कुछ नंबर नंबर आपको पता है नहीं पता है कोई बात नहीं, कुछ भी नंबर लिख दीजिएगा। अभी एग्री कीजिएगा। मेरे पास कुछ कार्ड्स कनेक्टेड होंगे लेकिन लेट्स सपोज ये आपका बैलेंस डिडक्ट नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये बैलेंस आपका बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं करेगा। अगर आप कार्ड डालना चाहते हैं डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते हैं सो इस अकाउंट को सिंपल यहीं तक रखिए और मैं कोशिश करता हूं इसको दोबारा ओपन करने की ads.google.com कि हम लॉगिन कर पाते नहीं कर पाते हैं। हम दोबारा पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ गए हैं। चलिए गूगल चाहता है कि आपको इस पे जाना ही पड़ेगा फॉर श्योर। देन चलिए फिर इसके लिए मैं एक काम करता हूं कि मैं आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करके दे देता हूं, आप सबको एक ही ईमेल एड्रेस दे दूंगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड, जहां पे आपका वीडियो पोर्टल है, जहां पे आप लोग अपनी वीडियोस देखते हैं उस जगह पे आपको यूजर नेम पासवर्ड होगा उसका, वहां पे उसको उठा के आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा उस टूल का, जो टूल मैं बता रहा हूं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यहां पे ऐड नहीं करना चाहते, वैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड ऐड कर लेंगे तो उसके बाद होगा क्या, डिडक्शन इससे बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। गूगल पता नहीं गूगल क्या चाहता है लोगों से, गूगल चाहता है लोगों से कि सबसे पहले वो सब कुछ, गूगल चाहता है कि सर सबसे पहले बस अकाउंट डिटेल ले ले अपने आप, बाकी तो अपने आप करता रहेगा वो, उनका भी बिजनेस है सर।
मैंने कैंसिल कर दिया इसको अभी। Let me create an account for you guys. Let me log in into my panel and I'll create an account for you guys. आप लोग चाहें तो आपस में डिस्कशन जरूर कर सकते हैं, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। उस वेबसाइट्स को आप यूज कर सकते हैं, वहां से पिक्चर्स आपको निकालनी पड़ेंगे एंड कैनवा टूल का यूज कीजिए। कैनवा टूल से आप बहुत मजेदार तरीके से इसी से काम कर सकते हैं। सर कैनवा वाला कल मैसेज मुझे लेट मिला आपका। कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा जो उस दिन हमने डिस्कस किया था। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है वो, जो आपके लिए बहुत मजेदार चाहती थी। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा उस वीडियो को। चलिए, हेलो सर। जी मैम बताइए। सर वर्डप्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा, बाद में पूछूंगी या अभी पूछूं? मैम बाद में चलते हैं, अभी थोड़ा सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सेशन के बाद अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं मेरे से फॉर श्योर। सो यहाँ पर जो एक्सेस अभी आप लोग को मिलेगा, जो अकाउंट में आप लोग को बना के दूंगा, वहां पर लॉग इन करने के बाद आपको इस तरीके की चीज दिखेगी सामने। टूल्स पे क्लिक कीजिएगा एंड कीवर्ड प्लानर के ऊपर चलिएगा। यहां पे आपको मेरे सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं, आपके सामने नहीं आएंगे। यहां पे देखिए दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे। पहला ऑप्शन है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। आपको क्लिक करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे। इस पे अभी सेकंड वाले ऑप्शन पे आप नहीं जाएंगे क्योंकि ये पेड एड के लिए यूज होता है ज्यादातर। अभी सिर्फ डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। यहां पे देखिए आप अपने कॉम्पिटिटर के भी सारे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, आप अपने दिमाग को भी यूज कर सकते हैं। किसी वेबसाइट्स को आपको ढूंढना है या आपकी क्या सर्विसेज हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं यहां पे, लेट्स सपोज योगा, या चलो योगा चलते हैं, योगा स्कूल्स इन ऋषिकेश। सर ये कीवर्ड होगा ना आपका? चलो मैंने जैसे गेट रिजल्ट्स पे क्लिक किया तो अब देखिए मेरे पास क्या आ रहा है। ये मेरे पास पूरा ट्रेंड उठ के आ गया। गूगल ने पूरा का पूरा ट्रेंड उठा के दिखा दिया मुझे कि कब कहां पे कितना क्लिक हुआ है, क्या हुआ है। इसके नीचे देखिए गूगल मेरे को सजेस्ट दिखा रहा है, सजेशंस यहां पे क्लिक बाय रेलेवेंसी। सर ये जो ऊपर एक पर ऊपर वाले ग्राफ में जाना जी, ये जो एक किसी भी बाग में क्लिक कर लें जी, तो ये क्या, ये 20,000 या 19,000 या 20,000 क्लिक्स, ये क्या मतलब है इसका? क्या ये क्लिक्स है, क्या है ये 20,000? इसी पे आ रहा हूँ मैं। ये आपको ऊपर पर मंथ का ग्राफ दिखा रहा है। इसके नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए एवरेज मंथली सर्चेस, आपको कॉम्पिटिशन एवरेज मंथली सर्च, सिर्फ ये दो चीजें देखनी है और ये कीवर्ड देखना है। दैट मीन्स अभी के लिए आपको सिर्फ कीवर्ड वाला पहला वाला कॉलम, सेकेंड वाला कॉलम एंड थर्ड वाला कॉलम दिखा दूं, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये फर्स्ट वाला कॉलम, सिर्फ ये तीन चीजें देखनी है। ज्यादा देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। वो बिड का तो जैसे उन्होंने कितने पैसे दिए लोगों ने एवरेज, वो भी वो गलत है। मैं इस पे कभी बिलीव ही नहीं करता इस चीज पे। यहाँ पे वो नंबर, यहाँ सर 50 रुपए दिखा रहा है तो मैं 5 रुपए में चला के दिखाऊंगा आपको सेशन में। ओके, है ना। ये गूगल दिखा रहा है कि जिसका क्वालिटी स्कोर 10 out of 10 हो, जिसकी वेबसाइट बहुत अच्छी हो, ये आपको बिल्कुल कम पैसा दिखा रहा है। और ज्यादा पैसा दिखा इसलिए हाई बिड रहा है कि उस टाइम मैक्सिमम कॉम्पिटिशन था। ये तो रियल टाइम सट्टा बाजार है ना सर, तो ये मैक्सिमम टाइम पे दिखा रहा है। लेकिन जब मैं आपको एड चलाना सिखाऊंगा तो उसके पीछे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स एंड स्टोरीज हैं, उस पे हम प्ले करेंगे तो हम बहुत कम कॉस्ट में इस पे काम कर पाएंगे।
मैंने इसलिए बोला कि सर इस पे अभी कंफ्यूज अपने आप को बिल्कुल नहीं कीजिएगा और किसी पैटर्न पे सोचिएगा ही नहीं। यहां देखिए योगा टीचर ट्रेनिंग इन ऋषिकेश, यहां पे एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है 6600। मतलब ये जो मंथ दिखा रहा है ना ऊपर, ये इनका एवरेज निकाल रहा है कि पिछले एक साल में एवरेज मंथली सर्चेस कितनी हुई है और कॉम्पिटिशन लो है। दैट मीन्स यहां जो आपको लो कॉम्पिटिशन दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक बहुत कम है, ऐसा नहीं है। ये जो कॉम्पिटिशन दिखा रहा है ये उस पर दिखा रहा है कि जो लोग एड्स चला रहे हैं उन एड्स वाले लोगों में आपस में कितना कॉम्पिटिशन हो रहा है। सो इसको नहीं मानिएगा, आपको सिर्फ ये नंबर देखना है। ये हाई और लो कॉम्पिटिशन वाला आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन उतना पोटेंशियल इसमें अभी आपके लिए नहीं है। आपको पहले दो कॉलम्स में ध्यान देना है। यहां पे देखिए एवरेज मंथली सर्चेस, यहां पे मैं लेके चलता हूं सर। देखिए मेरे को यहां पे सारे वो कीवर्ड्स मिल गए जो लोग ढूंढ रहे हैं आपसे रिलेटेड। योगा टीचर ट्रेनिंग इन ऋषिकेश, 200 आवर योगा टीचर ट्रेनिंग ऋषिकेश। अब ध्यान दीजिएगा गौतम सर, अगर इस टूल का आप यूज नहीं करते तो ये कीवर्ड कभी पकड़ पाते क्या आप? नहीं ना। और यहां देखिए जितना ट्रैफिक आपके पोटेंशियल जो मेन आपका कीवर्ड है उस कीवर्ड से आ रहा है, उससे कुछ मिलता जुलता ट्रैफिक इस कीवर्ड पे भी आ रहा है ना, कोई कम नहीं है। सो ये सारे कीवर्ड्स देखिए यहां पे आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैं ऋषिकेश हटा के सिर्फ योगा ये कोशिश करता हूं ढूंढने की कि पूरे वर्ल्ड में योगा कितने लोग ढूंढ रहे हैं। अब मैंने जो आपको रिजल्ट दिखाया था वो दिखाया था, पहले मैं यहां चलता हूं, योगा स्कूल्स इन ऋषिकेश, इसी पे जाते हैं थोड़ा सा। एक मिनट, बड़ी मजेदार चीज थी योगा स्कूल्स। इस टूल में जरूर आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, एक बार में समझ में आने वाला टूल नहीं है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आपके दिमाग से कुछ स्किप हो रहा है, होने दीजिए, क्वेश्चन पूछते रहिए, खुद ट्राई करेंगे, हो जाएगा। नहीं होगा दोबारा सेशन में समझाऊंगा। एक बार में समझ में आने वाला टूल नहीं है ये, लेकिन एक बार समझ आ गया तो इस टूल को छोड़ नहीं पाएंगे। यहां पे देखिए योगा स्कूल इन ऋषिकेश, मैं दोबारा इसी के गेट रिजल्ट्स पे जाता हूं और सेम वही चीज मेरे को यहां पे दिख रही है। ये देखिए जो कीवर्ड मैंने ढूंढा था, यहां ध्यान दीजिए, जो कीवर्ड मैंने ढूंढा था जो मुझे लग रहा था मेरे बिजनेस के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है, उस कीवर्ड पे तो ट्रैफिक ही नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक है। और जो मेरा दिमाग सोच भी नहीं पा रहा था उस कीवर्ड पे ट्रैफिक देखो जरा कितना है। तो इसीलिए थर्ड पार्टी टूल पे बिलीव ना करके ये टूल आपको बेस्ट बताएगा। अब आप इसको कनेक्ट कीजिएगा यहां पे, कोई भी कंपनी क्या अपना डेटा किसी दूसरे कंपनी को ऐसे ही दे देगी क्या फ्री में? डेटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आईटी, आईटी में डेटा से इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है ये जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं, ये गूगल की एपीआई, एपीआई मतलब दो सॉफ्टवेयर आपस में बात करते हैं उस लैंग्वेज को एपीआई कहते हैं। सो जब आप एपीआई पे बात कर रहे हैं तो एपीआई के थ्रू गूगल और जो थर्ड पार्टी सर्विस है जैसे उबर सजेस्ट या फिर मोहित जी ने जो बताया, वो सारी सर्विसेज गूगल की ही एपीआई यूज करके आपको डेटा दिखा रही हैं। लेकिन मेन डेटा किसके पास है? गूगल के पास सर, क्योंकि यूजर गूगल के ऊपर सर्च कर रहा है और वो उस टूल पे जाके सर्च नहीं कर रहा। इसलिए तो, बोला ना सर मैंने, वो तो 50-60% ही ठीक बताएगा। यस, सजेशन ही देता बस वो तो। बिल्कुल, तो सजेशन लेना क्यों है सर उससे? हमारा दिमाग इतना काफी है, मैं आपके दिमाग को उतना डेवलप करूंगा कि आपको समझ आएंगी चीजें, है ना। तो टूल ताल के चक्कर में मेरे को मालूम नहीं था ना सर। चलिए यहां चलते हैं, यहां देखिए, अब यहां पे मैं दिखाता हूं ये तो सर्च हो रहा है कहां पे, इंडिया के अंदर। कैसे पकड़ा मैंने, बड़ी मजेदार चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट आएगा। अब यहां पे देखिए मैंने ऊपर जो हेडिंग्स हैं, यहां पे देखिए लोकेशन इंडिया, ये देखो मैं यहां पे ये भी देख सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने लोकेशन पे, फाइंड करूं कि क्या लोग इसको सर्च कर रहे हैं। देखो मेरे लोकेशन से इतनी सर्चेस हो रही हैं, दैट मींस मेरे से
25 किलोमीटर के रेंज में ये दिखा रहा होगा। सो ये ऑल लोकेशंस निकाल के इसलिए ले गया क्योंकि इसने मेरे लोकेशन को समझा नहीं कि इसको भी लगता है मेरे लोकेशन से सर्च ही नहीं हो रहा। यहां पे चलते हैं, जैसे लेट्स सपोज मैं चाहता हूं दिल्ली के अंदर मैं ढूंढूं कि कितना चल रहा है, तो मैं दिल्ली से देखना चाहता हूं, तो ये दिल्ली आ गया और मैंने सर्च कर लिया। अब सिर्फ दिल्ली का कीवर्ड दिखाएगा कि देखो भैया 140 लोग सिर्फ दिल्ली दिल्ली से सर्च कर रहे हैं। ऋषि जी मजेदार टूल है ना? हाँ ये मजेदार है, ये चाहिए था। श्वेता मैम कुछ काम देगा ये टूल आपके ब्लॉगिंग के लिए? हेलो सर। जी मैम बताइए। सर इसमें हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट है जो किस कीवर्ड पे वर्क कर रही है? मतलब मैम आप वेबसाइट को अपनी कॉम्पिटिटर के वेबसाइट को आप जरूर डाल सकते हैं स्टार्टिंग पैनल में, दोबारा करके दिखाऊंगा, और उस पैनल के थ्रू उस कीवर्ड पे आप आ सकते हैं। लेकिन अब आपको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कौन सी वेबसाइट है ना, सीधा उस वेबसाइट का उस पेज को खोलें और उसको कंट्रोल यू करें। अब आपको मेटा टैग पढ़ने आता है, डिस्क्रिप्शन पढ़ने आता है, आपको पता ही लग जाएगा कौन से कीवर्ड पे काम कर रहा है। यस सर, सर एक वेबसाइट है कॉम्पिट, मतलब वो भी ब्लॉगिंग ही लिख रहे हैं मेरी तरह ही, बट सर उसकी वेबसाइट मैंने सर्च किया, मुझे कीवर्ड मिला ही नहीं, टाइटल सब कुछ मिला, मैंने कंट्रोल एफ करके सर्च किया जी, मुझे उनका कीवर्ड ही नहीं मिला। मैं आपको बताऊंगी भी सेशन के बाद, उनकी वेबसाइट में मिला ही नहीं मुझे वो कीवर्ड। चलिए हो सकता है मैम आजकल नोड जेएस एक नई लैंग्वेज आई हुई है जिसपे लोग डिजाइन कर रहे हैं और अपने कीवर्ड्स को लोग सर्वर पे ही छोड़ देते हैं, दैट मींस कोई उसको देख नहीं पाए। लेकिन मैम कॉन्टेंट से आप बहुत ईजी निकाल सकते हैं, जहां पे वो रैंक कर रहा है वो तो आपको पता ही है ना, बस उसी कीवर्ड को निकालिए और उसकी वेबसाइट को उठा के, अभी मैं बताता हूँ उसकी वेबसाइट का लिंक है ना आपके पास? यस सर। तो बस उसकी वेबसाइट अभी उठा के डालेंगे, सब कुछ आ जाएगा सामने। ठीक है सर, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए दिल्ली के अंदर, अब देखते हैं दुबई के अंदर क्या चल रहा है। सर वो दिखा दो मेरा कीवर्ड डाल दो। बिल्कुल सर आपकी कीवर्ड पे देखो दुबई से 10 लोग आ रहे हैं। मार्केट ही नहीं है सर के लिए। देख रहे हैं दुबई से 10 लोग, महीने की एवरेज मंथली सर्च है। सो अब चलते हैं सर, सर स्पेल चेक कीजिए। ए जी आई एल ई, ए जी जी आई एल ई। इजराइल ट्रेनिंग डाल दें। हाँ जी। दुबई में रहने दें। हाँ जी। 20 तो कुछ नहीं है एजाइल ट्रेनिंग, ये सर्च नहीं कर रहा हूँ, ये देखो ना नीचे क्या आ रहा है। ये तो बिकता ही है सारी जगह। अब देख रहे हो, अब आपको समझ आ रहा है सर आपका जो लैंडिंग पेज है उसका प्राइमरी कीवर्ड क्या होना चाहिए? अभी तक आपका प्राइमरी कीवर्ड क्या था सर? एजाइल ट्रेनिंग है ना? नहीं नहीं, अगर आप नीचे जाओगे मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो ट्रेनिंग है जी है सारी अजाइल की ट्रेनिंग जी, पर ये जो सेफ अजाइल सर्टिफिकेशन है मुझे ये बेचना था। वो जो ऊपर वाली दिखा रहा है वो बिकता है पर वो मैं बेच नहीं रहा अभी फॉर व्हाटएवर रीज़न। कोई बात नहीं। सो अब एक काम करते हैं, आप दुबई के अंदर कर रहे हैं तो हम एमिरेट्स में भी देख लेते हैं। अब दुबई में करेंगे तो एमिरेट्स से लोग आएंगे ना पूरा? करेक्ट, यूएई, यूनाइटेड, यूएई कर लेते हैं। पर इस टूल से मुझे मार्केट दिखनी शुरू हो जाती है सर पूरी फुल, कि मतलब अगर मार्केट ही नहीं है तो फिर जाओ ही क्यों वहां? करेक्ट, बिल्कुल। लोग सर्च नहीं कर रहे, मतलब अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस होती लोग सर्च कर रहे होते है ना। लेकिन सर इसका फायदा ये भी हो सकता है, इसका फायदा ये भी हो सकता है सर कि अगर अवेयरनेस नहीं है तो यू कैन बी द वन जो अवेयरनेस फैला सकता है, पर उसमें टाइम लगता है। मैच्योर मार्केट नहीं है। यस मैच्योर मार्केट नहीं है, यू राइट। अगर एक मिनट आप सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स करके देखेंगे द बिगेस्ट मार्केट, चलिए मतलब उनका तो मतलब जो मैं करता हूँ वो सबसे बड़ी वही है। गुड, इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट, वेरी गुड। आप यहां बिडिंग देख रहे हैं सर, पर क्लिक की बिडिंग कितनी है सर? 1200 रुपए की पर क्लिक की बिडिंग है। 1200 रुपीज पर क्लिक गूगल चार्ज कर रहा है जो एडवर्टाइजर वहां एड चला रहे हैं। मार्केट में पैसा बढ़ा है सर, ये तो मैं कह सकता हूं इस कीवर्ड को देख के। सो यहां पे देखिए इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट, मतलब ये 2400 कोई छोटा रिजल्ट नहीं है सर, अच्छा खासा रिजल्ट है, इसको बहुत छोटा ना माने।
आप सिंपल कैलकुलेट करो ना सर, इस 2400 में से 100 भी आपके पास आ गए तो कैलकुलेट कर लो अपना बजट। लाइफ बन गई इसका। सो लाइफ तो नहीं बनी पर हाँ, so, yes. अब आप यहाँ पे बहुत मजेदार तरीके से लेट सपोज आपको न्यूयॉर्क के अंदर अपना शो करना है, सर मुझे ये कीवर्ड तो सबसे ज्यादा हिट लग रहा है हर जगह। ये सबसे मैं यही तो नहीं, मैं नहीं, सेफ एजिल अजाइल सर्टिफिकेशन का ट्रेनर हूं पर इसका ट्रेनर नहीं, इसका मास्टर का, ये मुझे पता है। सर अपने कीवर्ड को स्पेल कीजिए एक बार, यहाँ पे सेफ एक बार चेंज करके देख लें। हाँ सेफ, एक बार एक काम करते हैं सर, इस टूल पे आने से पहले देखिए कैसे कैसे मैं कीवर्ड निकाल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने एजाइल ट्रेनिंग डाला तो यहाँ पे देखिए एजाइल ट्रेनिंग नियर मी भी आ रहा है, एजाइल ट्रेनिंग ऑनलाइन भी आ रहा है, एजाइल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन भी आ रहा है। ये काम कर इस कीवर्ड को उठाते हैं और यहाँ पे कोशिश करते हैं इस कीवर्ड को डालने की, यहाँ का रिजल्ट चेक करते हैं न्यूयॉर्क का। 10 है, चलते हैं आप जिस मार्केट की बात कर रहे हैं वहां पे। इसको पूरा यूए ले लेते हैं सर, दुबई नहीं आएगा ये। आप टारगेट सिर्फ यूए के कस्टमर्स को कर रहे हैं या फिर क्या? सर यहाँ पे एजाइल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन सर ऑनलाइन तो सर 10 ही ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन तो 10 ही ढूंढ रहे हैं। मतलब मुझे ये समझ आ रहा है कि यूए की मार्केट नहीं है जो आप ये इसकी, मुझे ये डेटा देख के तो सर नहीं लग रहा, लेकिन ये जो 390 सर्चेस है मैं इसको कम नहीं मानता, ट्रस्ट मी मैं इसको कम बिल्कुल भी नहीं मानता। आप किस नंबर को कम मानते हो फिर? सर मैं कम मानता हूं, मैं कम मानता हूं लेट्स सपोज 50 के नीचे। अच्छा 50 के नीचे मैं कम मानता हूं, 50 के नीचे मैं कहता हूं लोगों ने बिना बात के ही सर, जैसे कोई दुबई से उठ के किसी के पापा चले गए यूएई वापस आए तो उनको बोला काम कर, तो इजराइल की ट्रेनिंग कर लिया, बेटा खुश होकर इंटरनेट पे जाके सर्च कर लिया। तो जैसे अगर जैसे ये सेफ एजिलिस्ट जो है फोर्थ लाइन में जी, इसका रिजल्ट आ रहा है 30 जी, तो आपके हिसाब से ये मार्केट है नहीं है? मतलब अब 30 इज लाइक कुड बी इट्स नॉट अ गुड नंबर। यहाँ पे देखने वाली चीज ये है, देखने वाली चीज ये है सर कि यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर सेफ एजाइलिस्ट करके जो सर्च कर रहा है ना, ये हो सकता है वहां की कोई एचआर कंपनीज भी हो जो इसको ढूंढ रही हो सकता है वहां पे जो लोग हैं वो इस तरीके की चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो, दे आर नॉट रेडी विद द ट्रेनिंग। बट इसके आगे जो डेटा है ना सर, जो मैंने अभी आपको देखना नहीं सिखाया है, वो डेटा ये बोलता है कि यहां पे लोग बिड कर रहे हैं, यहां पे लोग बिड कर रहे हैं, तो अगर कोई बिड कर रहा है दैट मींस मार्केट में थोड़ा तो पोटेंशियल है, लेकिन लेकिन लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है, इस नंबर को देख के लोगों में अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी। चलिए अब चलते हैं आगे। यहां पर मैंने यूनाइटेड अरब डाल दिया, एक काम करते हैं इसको इंडिया भी चेक कर लेते हैं सर, इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया मार्केट है नहीं आपका अभी सर? इंडिया मेरे ख्याल से तो मार्केट है, जब मैं एडोबी में था तो बहुत बहुत सारा लोग इस पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे थे। इंडिया मार्केट है पर इंडिया में पैसे नहीं है। सर यहाँ पे आप सर्चेस देख रहे हैं, ये यूएस से भी ज्यादा सर्चेस पे चल रहा है, नहीं यहाँ 22,000 था वहां पे, सॉरी। चलिए सो अब देखिए यहाँ पे ऊपर गूगल आपको कुछ सजेस्ट भी कर रहा है, एजुकेशन ट्रेनिंग ये सारी चीजें। इसके बाद हम चलते हैं लैंग्वेज। सर ये बड़ी मजेदार चीज है, अब देखिए सर क्या होता है। मैं डालता हूं दुबई। दुबई में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है सर? इंग्लिश, इंग्लिश क्या, अरबिक। चलिए अरबिक देखते हैं। चलिए इस पे तो सर अरब वाले तो बिल्कुल ढूंढ ही नहीं रहे सर, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जिसने अब ये लैंग्वेज कहां से डिटेक्ट हो रही है,
जब पहली बार आप अपने सिस्टम पे गूगल क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज पूछता है. सो जो भी लैंग्वेज आप सेटअप करेंगे उसके अकॉर्डिंग गूगल यहां रिजल्ट दिखा रहा है. यहां पे आई कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, बट आप 100% अरबिक में तो सर वहां पे सेशन देंगे नहीं. नहीं होएगा तो सर आईटी में तो सब इंग्लिश ही बोलेंगे. तो यू विल बी स्पेसिफिक टू इंग्लिश. सो बट सर यहां पे देखिए ये जो सर्टिफिकेशन है ना, ये लग रहा है देखिए इसका कॉम्पिटिशन भी हाई है. यहाँ पे 260 सर्चेज हैं, तो मेरा दिमाग ये कहता है कि जब लोग इसको ढूंढ रहे हैं तो इसको भी तो ढूंढ ही रहे होंगे, है ना. अगर कोई एसईओ ढूंढ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं ढूंढ रहा. हाँ करेक्ट, है ना. तो मार्केट मुझे लग रहा है कि मार्केट है, लेकिन छोटा मार्केट है सर, अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, आगे चलते हैं. इसके बाद सर्च नेटवर्क, यहां पे गूगल है और गूगल सर्च एंड सर्च पार्टनर. सर्च पार्टनर कौन से होते हैं? श्वेता मैम, हरप्रीत मैम जो ब्लॉगिंग्स बना रही है ना, वो लोग प्लस YouTube, जो भी गूगल ओन्ड कंपनीज हैं, जैसे YouTube है, AOL है, AOL का भी सर्च रिजल्ट गूगल ही मेंटेन करता है, ये सारे लोग गूगल सर्च पार्टनर्स में आते हैं. इस पे भी देख लेते हैं, गूगल सर्च पार्टनर में भी सही वही रिजल्ट है, सेम, कोई चेंज नहीं है. सो आप चेक कर सकते हैं गूगल या गूगल सर्च पार्टनर. लास्ट 12 मंथ कहां से कब तक का देखना है? लास्ट मंथ का देख लेते हैं सर. लास्ट मंथ में क्या सर्च हुआ है? 10 सर्चेज हुए, सेम वही चीज दिखाई जा रही है. अब चल लेते हैं लास्ट 12 मंथ्स में, तो वही सर्चेज हैं, ज्यादा कोई एवरेज वही आपको दिखाया जा रहा है. है ना. अब चेक करते हैं यहां पर एक बड़ी मजेदार चीज, देखिएगा किस तरीके से मार्केट निकाल रहे हैं. मैं क्या करता हूं यहां पे, एजाइल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन पे जाता हूं या सिर्फ एजाइल ट्रेनिंग इन दुबई डालता हूं. चलिए दुबई का कुछ ना कुछ इन्होंने बना रखा है. आई एम श्योर ये ट्रेनिंग वाली वेबसाइट नहीं है सर. ट्रेनिंग है मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ की ट्रेनिंग दे रहे हैं. आई गेस एजाइल इज वन पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ना, जैसे ये तो हर इंडस्ट्री में है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग. ओके, ट्रेनिंग कंपनी है. 60th ऑफ anniversary. So Jire is one of the trainings they're giving. Okay. So date hai. That means, ab isko thoda sa test kar lete hain. Dekhi, inhone apne title pe bhi sir isko mention kiya hua hai. Jire Project Management Training. Hai na? Dubai mein inhone mention kiya hua hai. Let's check their keyword. Upar bhi likha Jire Project Management. Kya kar rahe hain ye? सर कीवर्ड्स में कुछ भी नहीं डाला हुआ है सर, आपके लिए बहुत मजेदार मार्केट है ये. देखिए ये वेबसाइट इसलिए टॉप में आ रही है, सारे लोग ध्यान दीजिए, ये वेबसाइट इसलिए टॉप में आ रही है क्योंकि गूगल जो है ये गूगल को यहां पर सबसे अप्रोप्रिएट यही लग रहा है. जैसे ही सर आपकी वेबसाइट गूगल के नजर में आएगी विद पर्टिकुलर दिस कीवर्ड टैग इन मेटा, आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी. ये वाला मेटा इंपॉर्टेंट है, जो नीचे मेटा नेम geo.places कंटेंट बिजनेस दुबई, ये भी डालना चाहिए. जैसे मैं ये ओजी टाइटल वाला नहीं, नहीं इससे ऊपर ये geo.place वाला, ये वाला सर. हाँ जी बिल्कुल सर, ये गूगल माई बिजनेस का मेटा टैग है, ये मैं समझाऊंगा आगे सेशन में आएगा. ओके और हमें ये वाला एक टैग नहीं पता, ये रॉबर्ट्स वाला मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूं. I know it's for Google Robots. सर ये SEO के दौरान मैं बताऊंगा, इसके लिए मैं आपको बता दूं रोबोट्स टैग से होता क्या है. सारे लोगों को बता दूं रोबोट्स टैग से आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि गूगल आपके कौन से पेज को स्कैन करे कौन से को नहीं करे. तो मुझे तो गूगल को सारे पेज स्कैन करवाने चाहिए, मतलब कोई भी वेबसाइट हो. नहीं चलिए वर्डप्रेस का जो लॉग इन पेज है आपका,
उसको लॉग इन कैसे करते हैं आप? यूजर नेम पासवर्ड नहीं, उसका लिंक क्या है सर? आपका वेबसाइट का नाम /wp-admin? हाँ करेक्ट। डू यू वॉन्ट कि गूगल में जब आपकी कंपनी का कोई नाम डाले तो ये पेज उसको दिखे? नॉट रियली। हाँ यू गॉट द आंसर? यस। है ना, इट डजंट लुक गुड सर कि लोग आपके लॉगिन एडमिन लॉगिन पेज पे पहुंचे। प्लस आपकी वेबसाइट के अंदर हो सकता है ऐसी बहुत सारी इमेजेस हो जिसको आप गूगल को स्कैन नहीं कराना चाहते। जब कोई गूगल इमेजेस में जाके आपकी वेबसाइट का नाम डालेगा या फिर आपका नाम डालेगा, एज अ स्पीकर आपको सर्च करना चाहेगा, तो आप ये नहीं चाहते ना जो टेम्पलेट्स आपने यूज किए वर्डप्रेस के अंदर उसकी टेम्पलेट की फोटोग्राफ दिखने लग जाए। नहीं ना। तो यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक क्या दिखाना है नहीं दिखाना है। मोस्टली दिखाना है, बट देयर कुड बी कोई चीजें हैं जो नहीं दिखा। बिल्कुल मोस्टली आप दिखाएंगे। चलिए, यही रोबोट टैग है और बहुत इजी है सर, इतना ही हिसाब है इसका और मैं समझाऊंगा कैसे करना है इस चीज को। सो ये पूरी कहानी हो गई आपकी इस टूल को लेके। और अभी आपको जो प्रैक्टिस करनी है, आपको सिर्फ इसी चीज पे प्रैक्टिस करनी है। अपने एरिया को टारगेट कीजिए, अपने कीवर्ड्स को निकालिए। कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, इन सब पे प्रैक्टिस करनी है। टूल का थोड़ा और एडवांस लेवल है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अभी यहीं तक दिमाग लगा के रखिएगा। इससे ज्यादा कोशिश कीजिएगा समझने की, बट इस टूल को इससे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कीजिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा फॉर श्योर। सो सेशन में यहीं तक रखता हूं। कोई क्वेश्चन किसी का? हेमा मैम कोई क्वेश्चन? वर्डप्रेस से हटके? वर्डप्रेस से रिलेटेड नहीं है सर। वही वेबसाइट ने बताई थी आपको कि वो भी ना रिव्यू ही लिख रहे हैं मेरी तरह ही, बट सर मैंने उनका कंटूर यू करके देखा ना तो उनका कीवर्ड ही नहीं दिखा मुझे। चलो बहुत बढ़िया, ये बड़ी मजेदार चीज आपने पूछ ली, इस पे चलते हैं। वेबसाइट का नाम बताइए मैम। सर कोर्स क्राउन जी, coursecrown.com। और इनकी वेबसाइट रैंक कर रही है सर? हाँ, मैं इनका मतलब बता देती हूँ, ये ब्लॉग लिखा हुआ है ना, ये भी ब्लॉग लिखते हैं सर। चलो बहुत बढ़िया। सो अभी मैं जाता हूँ इस टूल पे दोबारा, मैं जाता हूँ टूल्स के ऊपर और मैं दोबारा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद मैंने स्टार्ट विद अ वेबसाइट, यहाँ मैंने देखिए दो ऑप्शन है, स्टार्ट विद अ कीवर्ड, स्टार्ट विद अ वेबसाइट। यहाँ पे मैंने डोमेन को एंटर कर दिया और रिजल्ट मैम ये इनके कीवर्ड्स निकल गए। सर इनका ना एक ब्लॉग है, मैं आपको नाम बताऊं उसका? जी ब्लॉग का लिंक दीजिए डायरेक्टली मैम। ठीक है मैं आपको दे रही हूँ सर व्हाट्सएप पे, एक सेकंड। ये रहा ब्लॉग, ये रहा मैम, ये मिल गया मुझे। सर इन्होंने ना मुझे समझ नहीं आई इनकी वेबसाइट क्या है, कि ये कोर्स भी पढ़ा मतलब ट्रेनिंग भी देते हैं और प्लस ये ब्लॉग भी लिखते हैं बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे। मैम क्योंकि ये धीरे धीरे चाहते हैं कि जो कोर्स का रिव्यू ये लिख रहे हैं वो अपने पास कस्टमर खींचे, ये आज नहीं तो कल उस कोर्स को स्टार्ट करेंगे, सिंपल लॉजिक है। सर बहुत सारे मतलब रिव्यूज इन्होंने लिखे हुए हैं हर एक डिजिटल मार्केटिंग और बाकी इंस्टीट्यूट पे। बहुत बढ़िया, सो लेट इट बी, आप यहां से सीख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप अपना कोर्स तो कभी स्टार्ट नहीं कराना चाहेंगे। नो सर। है ना, आप रिव्यू पे रहना चाहते हैं, तो इनका टारगेट ये होगा कि वो कीवर्ड्स को पकड़ना चाह रहे हैं जो लोग आ रहे हैं और कोर्स को सर्च कर रहे हैं, उसके रिव्यूज को देख रहे हैं और लास्ट में ये अपना डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स निकाल देंगे क्योंकि इनके पास ट्रैफिक होगा। यस सर, क्योंकि मैंने देखा था, इसे एक्सप्लोर किया था इस वेबसाइट को, तो यही है कि ये लोग अपनी भी सेल कर रहे हैं और प्लस रिव्यू लिख रहे हैं। हाँ तो 100% मैम उस तरीके से ही कर रहे होंगे काम। आप यहीं पे इस वेबसाइट का जो भी लिंक है ना, उस वेबसाइट का डायरेक्टली लिंक कॉपी कीजिए और यहाँ पे आने के बाद आप इसको पेस्ट करके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सर मैंने बहुत सर किया आपको इनके ब्लॉग का लिंक ना। मैम मेरे को लिंक मिल गया ब्लॉग का, लेकिन स्पेसिफिक आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉग पे जाएंगे तब जाके होगा ये। कोई भी लिंक उठाइए और यहाँ पे आने के बाद उस लिंक को जब आप पेस्ट करेंगे तो नीचे देखिए दो ऑप्शन है, यूज द एंटायर साइट, या फिर इसके नीचे दूसरा ऑप्शन है यूज ओनली दिस पेज, ओनली वाले पे क्लिक कीजिएगा और उस पेज का सब कुछ डेटा उठा के आपको दिखा देगा वो। ओके क्लियर है?
यस सर क्लियर है. चलिए बहुत बढ़िया. गौतम जी कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है. क्लियर है सर? टूल क्लियर है ये? चलिए एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. ये आप अपने फोन पे भी एक्सेस कर सकते हैं. सर ये मेटा टैग वगैरह खुद लिखना होता है क्या? सर मेटा टैग आपको कंटेंट खुद लिखना पड़ेगा. आपको टाइटल कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन खुद ही लिखना पड़ेगा. मेटा नहीं लिखना पड़ेगा. META नहीं लिखना. हाँ वही टाइटल इसमें तो खुद ही लिखना पड़ता है. कॉन्टेक्ट मैंने लिख दिया सर. जी बहुत बढ़िया. ऋषि सर कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन? ऑल गुड. All good, sir. logically ऐसा ना लगे कि ऐसी मतलब छापने के लिए नहीं छाप. अगर लॉजिकली आप अपने कंटेंट के अंदर हजार बार कीवर्ड को रिपीट कर देंगे ना आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हैं. गूगल विल पिक मी अप. हेलो अभी छह मंथ तो लग ही जाते हैं. हाँ बोलो. छह महीने लग ही जाएंगे तब भी मतलब आप ये कह रहे मोहित? हाँ मतलब SEO पे वर्क करते हुए मतलब गूगल है ना छह महीने में मतलब सिक्स मंथ में ही जाके टॉप में आती है वेबसाइट. मतलब रैंक तभी होती है इसमें लग ही जाता है ना टाइम. अच्छा रिफ्रेशिंग में मतलब गूगल जब तक एक्चुअली पिकअप करेगा रिफ्रेश करेगा सब कुछ सारी वेबसाइट. हाँ मतलब छह मंथ में हो जाएगा. छह मंथ तो लगेंगे ही लगेंगे. हाँ क्योंकि अभी तो देखो 20-20 साल पहले के हैं तो उनके उसमें आने से तो लगेगा ही ना. आप भी समझते हैं तो छह मंथ तो माने के चलिए आप मनाए जाएंगे करे जाएंगे करते रहेंगे ना तो आप आते जाओगे. ट्रैफिक आएगा तभी तो आओगे ना आप ऊपर. करेक्ट करेक्ट. हाँ तो छह मंथ में हो जाएगा. अच्छे से काम करोगे तीन चार मंथ मतलब छह मंथ तो समझिए मैक्सिमम. या दो तीन महीने में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे. हाँ वो तो ट्रैफिक आएगा तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो छह महीने में वेबसाइट गूगल पे टॉप में आएगी तो ही वो होगा वर्क. नहीं नहीं आप ये वेबसाइट बना के गूगल एडवर्ड पे भी दे सकते हैं ना. ऐसा नहीं है कि काम तो चलेगा ही आपका. हाँ वो तो अलग है. हाँ, गूगल एड हो गया लिस्टिंग हो गया मतलब गूगल मैप पे भी दिखा दो कि हमारा इधर इधर ब्रांच है. मैं क्षमा चाहूंगा शायद थोड़ा सा गले में खराश होगी. बैक टू बैक सेशंस होते हैं इसलिए थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है. I'm really sorry guys. So, यहाँ पर सर जी बताएं सर. सर वेबसाइट पे मतलब हम SEO रख करेंगे तो 6 मंथ लग ही जाते हैं ना क्योंकि ट्रैफिक भी ऊपर आने में तो एडवर्ड में और लिस्टिंग में काम करेंगे. किसने बोला ये किसी ने बोला है सर? गूगल ने लिखा है क्या? नहीं गूगल ने नहीं लिखा सर. ये मतलब मेरे उससे ही बता रहा हूँ ना सर. मतलब सर आपको तो मार्केटिंग पता ही नहीं है. अभी किसने बोला? कितना टाइम लगता है? मतलब सर वो तो देखो ट्रैफिक आएगा तभी तो वेबसाइट ऊपर आएगी ना क्योंकि अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है. बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है मोहित जी ने और ऋषि जी आपने कि कितना टाइम लगेगा. सर टाइम इस चीज पे डिपेंड करता है कि उस कीवर्ड पे ट्रैफिक कितना है, उस कीवर्ड पे कॉम्पिटिशन कितना है, कितने लोग बिड कर रहे हैं. अगर आप एक ऐसी लाइन में खड़े हैं जिसमें खड़े ही 10 लोग हैं तो फिर तो देखो सर हो ही जाएगा. वही तो बोला मेरे में तो अब जैसे मान लीजिए ऋषि चड्डा जैसे ही कोई गूगल पे टाइप करे आप चाहते हैं आप टॉप में आए. हो सकता है ऋषि चड्डा के ऊपर बहुत सारे लिंक्डइन अकाउंट ऐसे हों फेसबुक अकाउंट ऐसे हों जो पहले से बहुत ज्यादा विजिबिलिटी लेके बैठे हुए हैं तो आप नहीं आएंगे. लेकिन आप ऋषि चड्डा एजाइल जैसे ही कोई ये कीवर्ड डाले इसमें आप अपनी वेबसाइट बनाओ ना, आप अपना पेज बनाओ, अपना प्रोफाइल वहां पे बनाओ ना सर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 डेज में टॉप में बैठोगे इस कीवर्ड पे. तो SEO का मतलब क्या है? कीवर्ड पे टॉप में आना ना. जब मार्केटियर्स सर ये वो लोग बोलते हैं 6 महीना 7 महीना 8 महीना जिनको ज्ञान नहीं है सर. टाइम हमेशा कीवर्ड के बेस पे लगता है.
ट्रैफिक के बेस पे लगता है, सबसे हटके करना पड़ेगा ना सर। 100% चीज है। देखिए मैंने आपको बताया गूगल हर दिन चेक करता है, हर सेकंड चेक करता है, जैसे ही उसको लगेगा कि आपकी वेबसाइट में ज्यादा दम है वो आपको उठा के ऊपर रख देगा। हाँ वही बोला ना सर, ट्रैफिक आएगा तो ऊपर आ जाएगा। तो आप अपनी टीम बिठाओ ना, आप अपनी 10,000 लोगों की टीम बिठाओ ना, कल से काम स्टार्ट करो, आप अगले 60 दिनों में ऊपर टॉप में बैठोगे। लेकिन सर अगर आप दो हाथों से काम कर रहे हैं, ये वो लोग जवाब देते हैं 6 महीना 7 महीना, छोटी सी कंपनी जिनकी है, दो लोगों के साथ काम कर रहे हैं, सर इस कीवर्ड में आपको टॉप में ले आएंगे, 6 महीने तक हर महीने में पैसे दो हम आपको टॉप में ले आएंगे। ऋषि जी ऐसा ही होता है ना, आपके साथ बहुत बड़ा सा पिच किया गया होगा कि सर एसईओ एक रेगुलर टास्क है, आप 6 महीने तक हमें पर मंथ दीजिए हम आपको टॉप में ले आएंगे, है ना? करेक्ट सर, कुछ भी नहीं। हेलो सर। जी मैम बताइए। सर मैंने भी सुना है कि एसईओ में तो हमारे ऑफिस में ऐसे ही बोलते हैं कि ना 3 महीने का समय लगेगा, उसके बाद बोलते हैं कि डेली बेसिस हमें वर्क करते रहना चाहिए उसके ऊपर। बिल्कुल 100% वर्क तो करना ही पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो 100% आपकी रैंकिंग नीचे जाएगी। ओके सर, सर वो कहते हैं कि मैक्सिमम 3 महीने का टाइम लेके चलना चाहिए हमें क्लाइंट से। मैम 3 महीने लेके चलना चाहिए क्योंकि पहले 10 दिन तो गूगल आपको समझने में लगाएगा, फिर गूगल के साथ आप ऑन पेज पे काम करेंगे, फिर गूगल के साथ आप ऑफ पेज पे काम करेंगे, अपने बैकलिंक्स बनाएंगे, तो 3 महीने का टाइम मैं कभी भी नहीं मानता हूं। जैसे ही गूगल को लगे, जैसे ही गूगल को लगेगा कि आपके पेज में उस कीवर्ड से रिलेटेड सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट कंटेंट है, गूगल आपको दिखाएगा, इट कैन बी इन 48 आवर्स एज वेल। तरीका बताऊंगा, एक तरीका है, मैंने सेशन में बताया होगा हेमा, लास्ट सेशन में भी थे, एग्जाम्पल हमेशा देता हूं मैं जब मैं एसईओ पढ़ाता हूं। ऋषि जी लेट सपोज आप बहुत बड़े बिलियनेयर हैं और मेरे को जॉब की जरूरत है, मैं आपके ऑफिस के बाहर खड़ा हूं सर, आप गाड़ी से उतरते हो और मेरी तरफ देखते भी नहीं हो सर, 3-4 बॉडीगार्ड्स खड़े हैं, मैं आपके केबिन के गेट पे खड़ा हूं सर, आप घुसे सीधा केबिन में घुस गए, दूसरे दिन भी आप आए और सीधा अंदर केबिन में चले गए, तीसरे दिन भी आए आप चले गए, चौथे दिन आप केबिन के अंदर गए और अपने गार्ड्स को बोला कि भैया वो ब्लू जैकेट वाले बंदे को पकड़ के लाओ, पागल बंदा है क्या है वो, पकड़ के लाओ उसको अंदर। फिर आपने मेरे को बुलाया, कौन हो भाई तुम, पागल हो गए क्यों खड़े हो? फिर मैंने अपने पॉकेट से अपना रिज्यूम निकाला कि सर आई एम वेरी मच स्किल्ड, प्लीज हायर मी। आपने मेरा रिज्यूम देखा एंड यू आर शॉक्ड कि भैया ये बंदा इतना ज्यादा स्किल्ड है, चल चल भैया प्रभाकर कल से काम पे चलू, आई हायर्ड यू। दूसरा तरीका ये है कि मैं प्रॉपरली आपको ईमेल भेजता, आपको एक फोन कॉल करता कहीं से भी आपका नंबर निकाल के, या फिर आपके केबिन के पास जाके नॉक करता, अंदर घुसता और सीधा रिज्यूम टेबल पे डालता कि सर देखो आई एम वेरी मच स्किल्ड, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। दोनों का आउटपुट सेम होता ना सर। yes. तो जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो आपको गूगल को बताना पड़ेगा कि भैया मैंने इस पेज पे अपडेट किया है, मैंने ये वेबसाइट बनाई है, तो जैसे ही आप गूगल को बताएंगे गूगल अपनी डायरेक्टरी में उस पेज को उठा के डालेगा और गूगल अपनी डायरेक्टरी से लाइव बात करता है। आप गूगल की डायरेक्टरी में आ गए, अगर आप में दम है तो आप टॉप में आ जाओगे। लॉजिक है सर बात में? तो नेक्स्ट टाइम से मोहित अगर आपको कोई बोले कि 6 महीना एसईओ में लगता है, उसको ये बोलिएगा सर कौन से कीवर्ड पे 6 महीना। अगर आप बात करो कि अमेजोन के ऊपर, जैसे कोई गूगल पे अमेजोन टाइप करे ऋषि चड्डा जी की वेबसाइट टॉप में आ जाए, इसमें तो आप 10 साल लगा लो नहीं कर पाओगे। तो एसईओ का क्या मतलब? मैं एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में था मैं, जहां पे मेरी एक डिजिटल मार्केटर से इस चीज पे बहुत बहस हुई थी और मैंने क्लियरली कहा कि एसईओ हम करते क्यों हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। गूगल ने आपको कभी नहीं कहा कि एसईओ करो, गूगल ने आपको सिर्फ कहा कि अपनी वेबसाइट के अंदर कॉन्टेंट बनाओ जो लोगों को कंफर्टेबल जोन में ले जाए, एप्रोप्रिएट रिजल्ट दिख जाए। एसईओ गूगल को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं हम, बार बार हम सेशन में बैठ के यही तो रिपीट कर रहे हैं, यही तो समझ रहे हैं कि बार बार अपने कीवर्ड को कहां कहां डाले, तो हम बेवकूफ बना रहे हैं गूगल को। जिस दिन गूगल अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेगा उस दिन हम भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लेंगे। रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, अदरवाइज इट विल बी अ लॉ, है ना ऋषि जी? सो ये जो एसईओ है ना, ये इसलिए डायनेमिक इंडस्ट्री है,
आज से बहुत साल पहले, आज से 5-6 साल पहले, बहुत साल नहीं मैंने ज्यादा बोल दिया, आज से 5-7 साल पहले जो ये Amazon है, मेक माई ट्रिप है, बुक माई शो है, ये सारे लोग 200-200 लोगों की टीम बिठाते थे जिनका काम सुबह ऑफिस में आना था और डायरेक्टरी सबमिशन नाम की चीज होती थी वो करते थे। ये होता क्या था, गूगल के पास उस टाइम अपना डेटाबेस नहीं था, BMOS, GMOS, BMOS ये तीन बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेज हैं जो पूरे इंटरनेट का डेटा इकट्ठा करते हैं अपने पास, कौन सी वेबसाइट लॉन्च हुई, कौन सी वेबसाइट में क्या है, किसका मेटाटैग क्या है, कौन सा बिजनेस है, ये सारे डेटाबेसेस से गूगल डेटाबेस डेटा उधार लेता था और आपको सर्च इंजन पे दिखाता था। तो लोग क्या करते थे, ये जो डायरेक्टरीज थी अपने एम्प्लॉइज बिठा रखे थे और इन डायरेक्टरी में रोज के रोज सबमिशंस कर रहे हैं, रोज के रोज उनका काम यही होता था कि 8 घंटे दबा के सबमिशन कर रहे हैं, जितनी बार सबमिशन हो रही है उतनी बार जब गूगल डेटा उठाता था तो देखता था अरे भैया इसकी 5000 डेटा डायरेक्टरी सबमिशन है, ये तो वेबसाइट बहुत फेमस है, टॉप में रखो इसको। धीरे धीरे जब गूगल को समझ आया कि यार इंडियंस बड़े शातिर हो गए, ये तो टीम ही बिठा दी इन्होंने डायरेक्टरी सबमिशन की, तो गूगल ने डायरेक्टरी सबमिशन के लॉजिक को बैन कर दिया कि भैया डायरेक्टरी सबमिशन के बेस पे हम वेबसाइट की रैंकिंग नहीं देंगे क्योंकि ये फेक हो रहा है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। मोहित जी क्लियर हुआ लॉजिक? जी सर। है ना, अब जब कोई डिजिटल मार्केटर आपके सामने बैठे ना और जब आपको वो बोले कि 3 महीने का रिजल्ट मैं 6 महीने में आपको एसईओ का रिजल्ट दूंगा, तो उससे पूछेगा बेटा कौन से कीवर्ड पे, तब आएगा मजा। अब समझाता हूं एक और चीज, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे क्वेश्चन पूछ के ना आप मेरी नसों को छेड़ देते हो, सो सेशन थोड़ा सा चला। बड़े मजेदार टॉपिक से मैं चाहता हूं आप लोग एजुकेट हो। सो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब सर्च इंजन के ऊपर अपने आप को टॉप रैंकिंग्स में लेके आना। एग्जांपल के साथ कनेक्ट करता हूं, पूरी रात नींद नहीं आएगी फॉर श्योर कि हम कर क्या रहे हैं। यहां पे देखिएगा, मैंने कोई भी कीवर्ड डाला, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स, इन दिल्ली। जैसे ही मैंने इस कीवर्ड को टाइप किया, गूगल का जो पूरा का पूरा पैटर्न है ना, ध्यान दीजिएगा, गूगल जो दिखाता है, जो सिखाता है और गूगल का जो पूरा का पूरा शीट है, जो व्हाइट कलर का पेज है, वो ये है, ये है गूगल का पेज। इस पेज के ऊपर सबसे पहला सेक्शन डेडिकेटेड टू एड, दूसरा सेक्शन डेडिकेटेड टू लोकल बिजनेस मैप, तीसरा सेक्शन डेडिकेटेड टू ऑर्गेनिक रैंकिंग, दिस इज ऑर्गेनिक रैंकिंग, दिस इज लोकल मैप, दिस इज एड्स। सो ये तीन कब और कैसे दिखेंगे ये डिपेंड करता है आपके कीवर्ड के ऊपर। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली टाइप करते हो तो उसके अंदर इन दिल्ली एक लोकेशनल कीवर्ड ऐड हो गया, इन दिल्ली एट दिल्ली लोकेशनल कीवर्ड हो गया, तो जब भी लोकेशनल कीवर्ड होगा आप कितने भी टॉप रैंकिंग एसईओ पे करके आप यहां बैठे होगे, लेकिन ऊपर क्या दिखेगा, लोकल बिजनेस मैप। क्या इसके लिए आपको पैसा देने की गूगल को जरूरत है? नहीं। दिखता कैसे है दिखाता हूं, यहां देखिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन दिल्ली टाइप किया, यहां तक एड दिख रहा है, यहां तक देखिए एड दिख रहा है, इस एड के सेक्शन को हटा देते हैं, यहां से अगर देखते हैं ये जो सबसे टॉप में जो ये सौरभ जैन बैठे हुए हैं ना, सबसे टॉप में सौरभ जैन बैठे हुए हैं, अगर कोई इंडिविजुअल डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली सर्च कर रहा है, ऋषि जी आपका एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप यू आर सर्चिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, आप नीचे आके यहां क्लिक करते या फिर इसमें से किसी को कॉल करते पहले? इनमें से कॉल ही करते ना सर, कॉल भी करता, डिपेंड करता है, कभी नीचे भी आता है पर कॉल भी करता। सर आप इसलिए करते क्योंकि आपने लोकेशनल, आपका टारगेट ही है कि भैया इन दिल्ली में चाहिए मेरे को, है ना जी सर, ये मतलब 100 में से मेरे को लगता है सर 80-90% इधर ही कॉल करते हैं ना। बिल्कुल सर, ये भी एसईओ का ही पार्ट है और मैं इस सेशन में, अभी रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है, गारंटी ले रहा हूं कि आपका जो बिजनेस है ना वो 72 आवर्स में इस जगह पे टॉप में लाके दिखाऊंगा, जब इस कोर्स में पढ़ाऊंगा, जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा,
लेट सपोज आप एजाइल ट्रेनिंग इन दुबई की बात करते हैं ना सर, आप एक एड्रेस लाके दीजिए मुझे दुबई का, 72 आवर्स में एजाइल ट्रेनिंग इन दुबई पूरे राउंड द ग्लोब कोई टाइप करेगा ना तो यू विल बी इन टॉप रिजल्ट्स, और ये चीज मैं सिखाऊंगा आपको सर। फिर तो मेरे को मतलब हर जगह लिस्टिंग लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नियर बाय में नहीं दिखाता ना, जो टॉप ही होता वही दिखाएगा क्या? मतलब नहीं सर, लिस्टिंग हमेशा 25 किलोमीटर के रेंज में दिखाती है। इसके लिए यू नीड अ फिजिकल एड्रेस, जरूरी नहीं है वहां पे आपका दुकान बनाओ ऑफिस बनाओ, आप अपने घर का एड्रेस भी दे दीजिए। गूगल सिर्फ एक पोस्ट कार्ड आपको भेजता है टू वेरीफाई दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, या फिर सर खुद जाके ले आओ डाकिये से। नहीं सर, डाकिये से सर उतनी सेटिंग को आजकल गूगल समझ गया है, ये इसी तरीके के दिमाग को पकड़ने के लिए गूगल बार बार एसईओ पे चेंज है ना सर। हेलो जी मैम, बताइए। जी सर मेरे को तो मेरा एक क्वेश्चन। जी 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 मैम प्लीज सर, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम योस्ट एसईओ कर रहे थे जब जी, तो जी. वहां पे टाइप करने के लिए कीवर्ड्स एक या दो मैक्सिमम आ पा रहे थे और ऊपर एक की फ्रेजेस लिखा हुआ था, उसमें भी हमें कीवर्ड्स ही डालने हैं। बिल्कुल मैम, की फ्रेजेस आपके प्राइमरी कीवर्ड है। मैं उस टूल को और बताऊंगा, अभी वो डाल पाएंगे, अभी वो टूल खत्म नहीं हुआ है मैम। आप एक बार में एक पेज के ऊपर मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो आप मैक्सिमम 20 कीवर्ड्स डालिए। तो 20 हम पेज में कंटेंट में मिलाकर डालना है, कीवर्ड्स टैग के अंदर, कीवर्ड्स टैग के अंदर सर, तो उसमें तो इतनी जगह ही नहीं होती है। मतलब अभी सिखाऊंगा ना मैम, अभी तो टूल का इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, अभी एडवांस लेवल पे लेके चलूंगा उसको। ओके सर, वही मैं कंफ्यूज हो रही थी, कितने सारे हैं ऑप्शंस तो हम कहां डालें। यूज होना लाजमी है ना, एक बार कर रहे हैं सर, एक बार गूगल एड्स वाला वो खोलना सर, मतलब देखते हैं, मतलब पैकर्स एंड मोस्ट मुंबई देखते हैं उस पे कितना ट्रैफिक, मतलब कितना वो है सर। एक काम करते हैं, आई बिलीव आप लोग ये अपने एंड पे बिल्कुल कर सकते हैं फॉर श्योर, क्योंकि मेरे दूसरे सेशन का टाइम हो गया है और मैं हेमा जी का जो इशू है उसको बार बार छोड़ दे रहा हूं। सो मोहित जी मैं क्षमा चाहूंगा, इसको हम डिस्कस करें कल या फिर आप अपने एंड पे कर सकते हैं सर, इसको बहुत इजी है, यहां पे चेक कर सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है सपोर्ट नंबर कॉल कीजिए सर। नहीं चेक कर सकते हैं सर, मतलब जो जिसमें सबसे ज्यादा मतलब ट्रैफिक आ रहा है वो। मैं आपकी नींद खराब नहीं करना चाहता हूँ, लेट्स डू इट। बताइए सर क्या करें? Packers and movers in Mumbai. जी सर। ठीक है। मुंबई लगा लो या फिर हाँ मुंबई, चलो देखते हैं। तो सर मैंने मुंबई को सर्च कर लिया और मैं दुबई में कहाँ ढूंढ रहा हूँ, दुबई से भी लोग ढूंढ रहे हैं इसको। चलो जी। हाँ वो तो सर। वैसे मुंबई वाले बहुत सारे दुबई में हैं, तो मेरे ख्याल से जब शिफ्ट हो रहे होंगे बेचारे तो वही ढूंढते होंगे। मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, ये आ गया ना सर, बहुत बढ़िया, 12,000 सर्चेज हैं सर, 12,000 देख रहे हो सर, यही तो बोल रहा था ना मैं सर, तो इसमें तो फिर सर सर यहाँ तो कैसे करना है सर, यहाँ तो अगर आप एड्स में खेले ना हाँ तो वो भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि इतना ट्रैफिक उठा लोगे कि कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वही तो बोल रहा था ना मैं सर, बेस्ट है ना सर, मजेदार है ये, बहुत अच्छा बिजनेस है। और ये अग्रवाल है, ये व्यूअर्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऋषि जी आपके लिए बता दूं, बाकी जितने लोग, गौतम सर आपके लिए बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि गूगल पे जैसे ही कोई स्वामी विवेकानंदा या फिर ये सर अग्रवाल इसे जी अगर अग्रवाल है ना सर, इन्होंने ही मतलब पैकर एंड मोर यही वो सर, ये मार्केट के लीडर्स हैं सर। हाँ ये तो बहुत बड़े हैं जी, ये मार्केट के लीडर हैं एक्चुअली। जैसे अग्रवाल स्वीट्स दिल्ली में हर जगह खुल गया है ना, वैसे ही सर अब अग्रवाल पैकर मूवर हर गली गली में आपको बोर्ड दिखते हैं। चलिए मैं जिस पॉइंट पे था वो बता दूं कि सर यहां पर अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर के कीवर्ड पे आप टॉप में बैठे, यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स। जैसे ऋषि जी अगर आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं वैसा ही कोई दूसरा इंसान है जो कर रहा है, वैसा ही कोई दूसरी कंपनी है जो कर रहा है, जिसको लोग एग्जैक्टली ढूंढ रहे हैं, है ना, जो बहुत बड़ी कंपनी लोग कह रहे हैं कि भैया यहीं से करना है,
जैसे अगर लेट सपोज मैं फोटोशॉप जैसे टूल का एक कॉम्पिटिटर टूल बना लेती है मेरी टीम, और मैं चाहता हूं कि दुनिया में जब कोई फोटोशॉप टाइप कर रहा है तो मेरा टूल दिखे, आई कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स। तो यहां से बहुत मजेदार बिजनेस आइडिया निकलता है सर, कि आप उन लोगों के कस्टमर्स को पकड़ सकते हैं जो पहले से बहुत स्पेसिफिक एक चीज को ढूंढ रहे हैं। अग्रवाल के नाम से ही सर? अग्रवाल के नाम से नहीं सर, आपका पेज आपके अग्रवाल के नाम, आपका पेज आपके वही तो होगा। आप ये करेंगे जैसे ही कोई गूगल पे अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स डाले, जैसे मैं कीवर्ड को उठा के दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स इन मुंबई टाइप करता हूँ ना, तो ये देखिए सबसे ऊपर अग्रवाल पैकर एंड मूवर आ रहा है जी। अब खुश हो जाइए कि सर यहाँ पे सिर्फ ये है, अगर आप चाहते हैं कि इनके ऊपर आप बैठे तो आप गूगल एडवर्ड्स की मदद से ही काम कर सकते हैं और पूरा ट्रैफिक इनका आप उठाएंगे, क्योंकि इसका मतलब कि मुझे इनसे ज्यादा बिड करना है, करेक्ट? बिल्कुल, मेरे को लगता है इन्होंने मतलब अग्रवाल पैकर से मतलब एडवर्ड में एड मतलब कोई नहीं दे सकता, इन्होंने कर दिया बंद मेरे को लग रहा है। सॉरी सर, इन्होंने मतलब गूगल एडवर्ड पे इनके नाम से कोई भी वो नहीं कर सकता ना, एड नहीं चला सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अगर चाहूं तो गूगल एडवर्ड्स के कीवर्ड पे भी बिड कर सकता हूं। गूगल एडवर्ड्स, आपको लगता है सर गूगल को अपना एडवर्ड चलाने की जरूरत है? यहां देख रहे हैं आप गूगल एडवर्ड्स, मैंने क्या लिखा, गूगल एडवर्ड्स, और कंपनी क्या ये गूगल की कंपनी है क्या सर? ये नहीं ना, नहीं है। आप किसी भी कीवर्ड पे चला सकते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका खुद का डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है और आपको लगता है कि प्रभाकर को सुनने के बाद लोग गूगल पे जाके प्रभाकर आईडीएम सर्च करते हैं, आप प्रभाकर आईडीएम कीवर्ड चलाइए और जितने लोग मेरे को गूगल पे आके सर्च कर रहे हैं उसका ट्रैफिक आप लेके जा सकते हैं। सर उधर नीचे और भी था, दिखाना एक बार, बैक करना उधर ही जाना जहाँ पे मतलब सर्च किया था हमने पैक जी, नीचे नीचे नीचे, ये देखो सर, ये बांद्रा मुला, ये मुंबई में ही है ना सर? नहीं, बिल्कुल सर मुंबई में है सर ये। ये मिल गए मेरे को और भी, है ना सर? बिल्कुल सर, इस टूल को यूज करें, मजेदार तरीके से डिस्कशन करते रहे सर। मैं सेशन को यहीं तक रखूंगा, और हेमा मैम सर अगेन हम थोड़े से लेट हो गए, थैंक यू सर, अगेन हम थोड़े से लेट हो गए। हम एक काम करते हैं मैम, आप जब ऑफिस से आ जाते हैं तो प्लीज हमारी सपोर्ट कॉन्टेक्ट कीजिए। ओके सर, हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कीजिए। यू डू हैव द नंबर 844? यस सर, है मेरे पास नंबर। आप उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपको असिस्ट करेगी। ओके सर, ठीक है, चलिए आप लोग डिस्कशन चाहे तो आपस में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन गाइस, गुड नाइट, जय हिंद, थैंक यू।